हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, आप सभी को अम्बेडकर जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की आज जयंती है, तो जयंती की सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारे संविधान रचयिता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती आज हमारा देश पूरे हर्षोल्लास के साथ मना रहा है। तो हमारे संविधान रचयिता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती है आज। तो फ्रेंड्स, मेरे घर में तो मेरा बेटा बीमार है, और तो मैं तो कोई खास मना नहीं रही हूँ, क्योंकि बेटे की तबीयत ख़राब है और बेटे की तबीयत कई दिन हो गए हैं, तो उसकी तबीयत ख़राब ही चल रही है। पहले उसको फीवर हुआ, और फीवर के साथ साथ फिर उसको लूज मोशन हुए, और उसके बाद फिर उसको उल्टियाँ वगैरह हुई। तो तीनों चीज़ें उसको एक साथ हो गई और काफ़ी ज़्यादा वीक हो गया है। और वैसे अब थोड़ी तबीयत ठीक है, लेकिन पूरी तरह से नहीं है। तो बस मैंने सोचा मुझे अपना ब्लॉग स्टार्ट करना है, तो थोड़ा सा मैं तैयार हुई हूँ, क्योंकि अम्बेडकर जयंती है, तो थोड़ा सा तैयार हुई हूँ। थोड़ी देर के लिए मना तो नहीं रहे हम, क्योंकि हमारे यहाँ पर रैली वगैरह जो भी है सबको हर्षोल्लास से मनाई जा रही है। शाम को केक कटिंग भी होगा, तो हमारे यहाँ पर हर जगह गली मोहल्ले में सब जगह होता है। तो रैलियाँ तो निकल रही हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में रैलियाँ निकल रही हैं, लेकिन ना तो हम घर पर ही मना रहे हैं, और ना ही हम मैं कोई रैली वगैरह में जा पा रही हूँ, ना ही जाती हूँ इतना। तो फ्रेंड्स, बस मैं तो अपने घर से ही सभी को हैप्पी अम्बेडकर जयंती बोलूँगी, क्योंकि हमारे लिए यह कोई त्यौहार से कम नहीं है, त्यौहार से बढ़ चढ़ के है हमारे लिए। तो फ्रेंड्स, बेटे की तबीयत ठीक नहीं तो ये सब नहीं हुआ, और बाकी जो भी होगा हमारे दिनचर्या में वो आपके साथ शेयर करूँगी। तो बने रहिएगा ब्लॉग में, और ब्लॉग अच्छा लगे तो वो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर जो न्यू है तो प्लीज़ चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब विद बेल आइकन के साथ, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। तो फ्रेंड्स, क्या क्या करती हूँ वो आपके साथ शेयर करूँगी, तो बने रहिए वीडियो में तब तक। सो फ्रेंड्स, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर बनी है खीर। और खीर क्यों बनी है? खीर तो बनती है, हर कोई बनाते हैं, मन करता है जब बना लूँ, लेकिन यहाँ पर ये खीर क्यों बनी है उसकी वजह मैं आपको बताऊँगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये जो खीर बनी है ना, गणेश जी की तबीयत ख़राब थी, और गणेश जी का मन ना खीर में ही अटका हुआ था, कि मुझे खीर खानी, पता नहीं कहाँ से उसका मन था, हर रोज़ सुबह शाम मुझे खीर खानी है। मैं उसको टहलाई जा रही थी कि शाम को बनाएंगे, कल को बनाएंगे, इस तरीक़ा से। खीर बनाना कोई बड़ी बात नहीं थी, कभी भी बना लो जब मन करे, लेकिन उसकी तबीयत ख़राब थी, तो ये सब थोड़ी सी भारी हैवी टाइप में चीज़ें उसको नहीं दे रहे थे हम, लेकिन वो इतनी ज़िद करने लगा। फिर मैंने सोचा जो बच्चे का मन है मैं वो बनाऊंगी, तो मैंने खीर बनाई। तो खीर के साथ साथ जो बड़े बच्चे हैं दोनों, उनका मन किया कि मम्मी खीर के साथ हमें पूड़ी बना दो, तो मैंने यहाँ पर नमकीन पूड़ी बनाई। और कभी कभी ना खीर पूड़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, तो मेरे दोनों जो बच्चे हैं बड़े, उनको बहुत ज़्यादा पसंद है, सब्जी ना हो साथ में खीर पूड़ी वो खा लेते हैं। लेकिन कभी कभार, ऐसा नहीं है कि जब मर्जी या फिर हमेशा, कभी कभार उनको अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैंने नमकीन ये पूड़ियाँ बनाई और खीर बनाई, और जिसकी वजह से बनी उसने तो खाई नहीं, क्योंकि वो इतना मतलब एक तो परेशान था, ऊपर से थोड़ा खेल कूद में इतना उसने अपने शरीर को थका लिया कि जब खाने का टाइम आया तो बिल्कुल भी उसने नहीं खाई। तो यहाँ पर गुनगुन को मैं ये देने जा रही हूँ, क्योंकि वो बच्चे मेरे दोनों पढ़ाई कर रहे थे, तो मैं उन्हीं के रूम में यहाँ पर ये देने चली गई हूँ कि आप यहीं पर खा लो गर्मा गर्म। और पहले मैंने दे दी है गुनगुन को, और अब देने जा रही हूँ यहाँ पर मैं कार्तिक को। तो उनको पता भी नहीं कि मैं इनका खाना लेकर आ रही हूँ, तो क्योंकि बाहर खाते हैं डाइनिंग टेबल पर, अब मैं उनके रूम में ही दे रही हूँ। तो कार्तिक तो काफ़ी देर में खाना पकड़ा उसने, क्योंकि वह ऐसा काम कर रहा था, कह रहा मम्मी रुको भी किताबें बंद करने दो। तो मैंने कहा यहीं खा लो बेटा आप, क्योंकि फिर ठंडी हो जाएगी। तो ये देख सकते हैं कार्तिक कर रहा है अपनी स्टडी टेबल पर पढ़ाई, गुनगुन अपने रूम में कर रही है, और ये कार्तिक का रूम है। और कार्तिक ना दोनों अपनी जो कार्तिक कह रहा मतलब बहुत बढ़िया आपने मतलब ये बनाया हमारा मनपसंद, तो वो खुश है खीर पूड़ी देख करके। जो बच्चों का मन हो वो बना लेना चाहिए, कभी भी बना लो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आई थी छत पर, और मैंने आपको पिछले ब्लॉगों में दिखाया था कि ये अचानक से टमाटर का पौधा उग गया आया था, जिसमें मैंने दो टमाटर पहले तोड़ लिए थे,
दो नहीं फ्रेंड्स, तीन तोड़ लिए हैं और ये चौथा टमाटर है, ये देख सकते हैं आप। तो जो तीसरा वाला था उसकी तो वीडियो बनी नहीं, क्योंकि मैं आपको तीन ही दिखा रही थी और एक टमाटर था जो हमें दिखाई नहीं दे रहा था, साइड में था, वो छुप गया था। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये उसी गमले के टमाटर हैं जो कि मैं आपको पिछले ब्लॉगों में वन बाई वन करके दिखाती आ रही हूँ। ये मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये दिखाई नहीं दे रहा था, और ये काफ़ी अच्छा रेड था और काफ़ी अच्छा खासा पक गया था। तो ये सारे टमाटर पक गए हैं, ये देख सकते हैं वही टमाटर हैं, सारे इकट्ठे हो गए हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं लेकर आई थी मार्केट से वेजिटेबल, और इनको मैं फ्रिज में लगाने के लिए, ये पोलोथीन जो कवर देख रहे हैं आप, ये तो इनमें मैंने रख दिया है सारी चीज़ों को। जैसे कि मैं तुरई लेकर आई थी, अदरक, यहाँ पर लेकर आई थी मैं हरी प्याज, और इसमें ही मैंने हरा धनिया रख दिया है, क्योंकि मैं ना इस बार थोड़ा सा ज़्यादा सब्ज़ी लेकर आ गई हूँ, क्योंकि न्यू फ्रिज है तो काफ़ी अच्छी खासी कूलिंग करता है, तो इसलिए मैं ज़्यादा सब्ज़ियाँ लेकर आई हूँ कि रोज़ रोज़ का झंझट भी ना हो। तो यहाँ पर मैं ले गई हूँ करेले, हरी मिर्ची, ये सारी वेजिटेबल लेकर आई हूँ, और अभी मेरे पास लौकी रखा हुआ भी था, और यहाँ पर ये देख सकते हैं। तो सारी ही इसको मैंने मतलब पैक कर दिया, इतना इतना इसका मुँह खुला रहने दिया है पन्नी का कि इसमें एयर जाती रहे, ये एकदम से अंदर मतलब कि ज़्यादा पानी टाइप में इसके अंदर ना हो। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पर लौकी रखी हुई है, खीरे भी रखे हुए हैं, और गाजर भी रखी हुई हैं, और जो मैं अभी ये रख पैक करके रखी है, तो इनको भी मैं डाल देती हूँ फ्रिज के अंदर, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्पेस है इसमें, कितनी सारी चीज़ रख लो। जब से ये न्यू फ्रिज आया है ना, एकदम बिंदास होकर कुछ भी रख देते हैं, और लगता ही नहीं है कि हमारे फ्रिज में जगह नहीं मिलेगी, बहुत जगह है। तो यहाँ पर टमाटर भी रखे हुए थे नीचे, चकुंदर भी, और फ्रेंड्स मिर्ची भी रखी हुई थी अभी, और यहाँ पर ना मैं फ्रेंड्स इवनिंग में ये सब्ज़ी कट कर रही हूँ, और ये कट कर रही हूँ मैं मॉर्निंग के लिए, क्योंकि बच्चे स्कूल जाएंगे तो मैं रात में ही कट करके रखती हूँ, क्योंकि अब ना बहुत जल्दी में बच्चे स्कूल जाते हैं सुबह सुबह। और जब मैं वो सब्ज़ियाँ रख रही थी तो कुंदरू रह गए थे, कुंदरू भी मैं लेकर आई थी, और कुंदरू को ना मैंने वॉश करने रख दिया था, क्योंकि ये थोड़े गीले थे तो इसलिए इनको पैक नहीं किया, इनको बाद में रखा है, तो कुंदरू को भी रख दिया है। तो कई सारी सब्ज़ियाँ हो गई हैं, और यहाँ पर जो मेरा किचन वेस्ट निकला है उसको मैंने पोलोथीन में भर लिया है, और इसको मैं डाल दूँगी, जो कि आपने मेरी टिप्स की वीडियो में देखा था, अभी मैंने किचन वेस्ट को कंपोस्ट किया है, तो उसी में ये डाल दूंगी। मैंने पोलोथीन भर के रख लिया है, और मैं बिल्कुल भी वेस्ट नहीं कर रही हूँ, कचरे में नहीं डालती हूँ, सिर्फ इसको कंपोस्ट कर रही हूँ खाद के लिए। तो यहाँ पर इसको पोलोथीन में भर के रख लिया है फ्रेंड्स। यहाँ पर कपड़ा स्टैंड देख रहे हैं आप, इसको मैं ले आई हूँ नीचे, क्योंकि ये था छत पर, अब गर्मियाँ हैं तो मैं इसको नीचे रख लूँगी, क्योंकि अभी आज मैं अभी लेकर आई हूँ तो मैंने यहीं पर कपड़े सुखा दिए। वैसे मैं इसको कार्तिक के रूम में रखूँगी, क्योंकि कार्तिक के रूम का जो स्पेस है बहुत बड़ा है, और उसमें पता भी नहीं चलेगा कि कपड़ा स्टैंड है यहाँ पर, और मेरे कपड़े साफ़ सुथरे एक तरफ सूख जाया करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपको कैसी लगी बताइएगा।